हाय फ्रेंड्स, मजुमदार फार्म से स्वागत है। सामने एक इंजेक्शन दिखा रहे हैं हम। ये इंजेक्शन आप मुर्गी या फिर बदख में यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तभी ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई भी बीमारी अगर आपका काम नहीं कर रहे तब जाके इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। कैसे क्या यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है, कितना क्वांटिटी में, इसको हम बता देते हैं। ये इंजेक्शन फॉर्म में आता है और इसको इंजेक्शन ही करना पड़ता है, कोई भी मुर्गी हो या फिर बदख हो। जिसमें कुछ जब कोई कोई मुर्गियाँ रहते हैं कि लास्ट पोजिशन में आ गए, बैठे बैठे ये कर रहे हैं कि मरने लगा है, तब जाके हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी हद तक ये ठीक हो जाता है, ज़्यादातर ठीक हो जाता है, 90% ठीक हो जाता है। और बहुत ज़्यादा हो गया तो वो काम नहीं करता, वो ठीक नहीं होता, मगर 90% ही ठीक हो जाता है। तो इसका नाम देख लीजिए आप, इंड्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन IP 10% WV भेट। ठीक है, इंड्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन IP 10%, इसको आपको कहीं पे ही मिल जाएगा। जैसे कोई भी वेटनरी है तो वहाँ पे जाके भी मिल जाएगा। और इसका रेट भी काफ़ी नॉर्मल सा है, 179 रुपये है रेट, तो कभी भी मिल जाएगा। तो मजुमदार फार्म ऐप से नीचे अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं ये सब, इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ऐप्स लेके आप नीचे रजिस्टर ऑप्शन है, रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर कर लीजिए तो सारे फीचर मिल जाएगा और इसमें से आप ट्रीटमेंट भी पता चल जाएगा। नीचे शॉप ऑप्शन है, शॉप साइड में, तो शॉप में से इसको ऑर्डर कर सकते हैं और इसमें से आपका सब ट्रीटमेंट व्रीटमेंट सब कुछ मिल जाएगा। तो कैसे क्या यूज़ करना है हम बता देते हैं आपको। इससे आपको एक सीरीज लेना पड़ेगा 2 ml का। ठीक है, 2 ml का सीरीज लेना होगा। ये देख सकते हैं आप, पूरा सीरीज ये ना 2 ml का है पूरा, अगर हमने ले लिया तो। और इसमें इंजेक्शन जो यूज़ करना है 0.2 ml का, ये पूरा 2 ml का इंजेक्शन है। तो थोड़ा हटा देते हैं हम, समझ में नहीं आ रहा है। तो 2 ml का इंजेक्शन है ये। ठीक है, और इसको हमको यूज़ करना है 0.2 ml, देख सकते हैं आप, बस इतना ही यूज़ करना है इंजेक्शन, इतना ही। आप देख सकते हैं ये बड़ा मुर्गी के लिए ये इतना, और छोटा रहा तो उससे भी कम, इतना यूज़ करना है। ठीक है, देख सकते हैं आप, छोटा रहा तो एक 0.1 ml, 0.1, इसने याद रखना आपको, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ किया तो मर सकता है। ये 2 ml का सीरीज़ है, इसको हम 0.2 ml लेना है। ठीक है, छोटा सीरीज़ है ये, 0.2 ml लेना है, ज़्यादा एकदम ही नहीं लेना है, ज़्यादा करने से मुर्गियाँ मर भी सकते हैं। तो इसको कैसे क्या यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ इंजेक्शन में निकाल के। तो आप देख सकते हैं ये जो हमने निकाला, इससे ऐसे एक बोतल निकल जाएगा, आपको देख सकते हैं ये बोतल निकल गया। इसको फ्रिज व्रिज में रखने का जरूरत नहीं, ऐसे ही आप रख सकते हैं और इसको काफ़ी दिन तक रख सकते हैं। जितना दिन इसका एक्सपायरी डेट रहता है उतना दिन तक इसको रह सकते हैं। ठीक है, रख सकते हैं आप नॉर्मल, इसमें इतना ही एक्सपायरी डेट कम से कम 2 साल है, अभी भी 22 तक है, तो इसको 2 साल ही रख सकते हैं इसको। ठीक है, और कभी भी ज़रूरत हुआ तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करना है हम बता देते हैं। ऊपर देख रहे हैं एक ढक्कन है, ढक्कन में बीच में से इसका हाथ से निकल जाए, कोई भी निकल सकते हैं इसको, हाथ से इसको ऐसे उठाया तो ये निकल जाता है। ये देखिए, ये निकल गया, ये फेंक दिया हमने। तो इसको अभी क्या करना है, इंजेक्शन से इसको निकाल के लेना है हमें। तो हम इसमें रबर जैसे रहता है मुंह में, तो हम इसके इंजेक्शन डाल रहे हैं। डालने के बाद इससे हम उठा लेंगे 0.2 ml, देख सकते हैं आप, 0.2 ml ही ले रहे हैं हम। ठीक है, 0.2 ml ले रहे हैं, ये रहा 0.2 ml, हमने 0.2 ml उठा लिया। इसको इंजेक्शन करना है बदक या फिर मुर्गी में। तो इसमें ये देखिए 0.2 ml हो गया, मगर इसमें ना एयर आ रहा है, वो देखिए, इसमें पहले वाला जो एयर है वो एयर आ चुका है। इसको निकाल कैसे सकते हैं एयर को, वो भी हम बता देते हैं। एयर को निकालने के लिए आपको ज़्यादा करके वो दवाई है ना, पहले उठा लेना पड़ेगा। तो हम थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं दवाई, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, लेके इसको हिला के थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा एयर, और उसको दबा देना है अंदर, फिर पुश करना है, फिर वो चला जाएगा एयर। ठीक है, एयर अंदर नहीं डालना, क्योंकि खून ब्लॉक होके फिर से स्ट्रोक भी हो सकता है मुर्गी को। तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ज़्यादा लेके थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते हैं। जैसे कि एक दाग करके ले लिया तो भी हम एक बार थोड़ा सा करके ले सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, रिक्स हो गया तो पहले तो आप थोड़ा कम करके लीजिए। ये देखिए, हम 0.2 ml ले लिया। इसको एक मुर्गी को लेना है और उसका चमड़ी के नीचे ही डालना है। ठीक है, तो चमड़ी का नीचे, चमड़ी को पकड़ लेना है ऐसे, हाथ से उठा लेना है और नीचे पुश करना है, चमड़ी का नीचे घुसा के वो दवाई डाल देना है। ठीक है, तो छोटा बच्चा बोले तो कम से कम 1 महीना या फिर 25 दिन का रहा तो अच्छा रहता है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये है इंड्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन IP भेट। हाँ, इसको आप ले सकते हैं या फिर हमसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए हुए तो सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम देसी मुर्गी पालन के ऊपर सारी वीडियो लाते रहते हैं। और आपको चाहिए तो नीचे जो ऐप से उसको ले सकते हैं, वहाँ से आप ट्रीटमेंट, सारी जानकारियाँ या फिर मुर्गी बदक कोई भी खरीदना है, ऊपर भी ऐड भी सब कुछ मिल जाएगा। पूरा ट्रीटमेंट उस ऐप से दिया जाता है, सारे फैसिलिटी दिए जाते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।